खीरी में किसानों की दिनदहाड़े हत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एसडीएम को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की दिनदहाड़े हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा दी गई खुली चेतावनी और उनके स्वामित्व वाली एक जीप के नीचे किसानों को कुचलना और भी दुखद है। इस घटना को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र द्वारा अंजाम दिया गया, जो अभी जेल में निरुद्ध है, परंतु चौतरफा विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी मंत्री के खिलाफ अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। यह शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनके पास मंत्रीगण सीधे तौर पर रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड के बाद एक भी शब्द नहीं कहा। जो आज ज्ञापन देना है, किस संबंध में ज्ञापन देना है? देखिए, पार्टी के बहुत ही बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पे एक कांड हुआ था लखीमपुर खीरी में, और एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक कांड था कि पांच किसानों की हत्या एक मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा के वहाँ हत्या कर दी गई। चलो, वो मंत्री का बेटा वहाँ पे जो है अरेस्ट कर लिया गया। जब पार्टी ने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष का ही ये नतीजा था कि आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहाँ पर पहुँची संघर्ष करते हुए और उन सबको अरेस्ट कराया। उसके बाद में जो SIT की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो मंत्री हैं श्री मिश्रा जी, अजय कुमार मिश्रा जी उर्फ टेनी जो हैं, SIT की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ आ चुकी है, हाई कोर्ट का भी निर्देशन आ चुके, लेकिन पार्टी उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही। उनके खिलाफ जो है कोई निर्णयात्मक कार्रवाई अभी तक पार्टी ने नहीं की है। कल पार्लियामेंट में भी आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, और सरकार ऐसी हो रही है कि विपक्ष की बात पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी सुनने को तैयार नहीं। डेमोक्रेसी में विपक्ष भी अपनी बात कहता है, और डेमोक्रेसी यही होती है कि विपक्ष की भी बात सुनी जाए। इसका क्या मतलब होगा, आप विपक्ष की बात सुननी रहे तो विपक्ष वॉकआउट करेगा। उसके बाद उसके